अपनी मांगों को लेकर आज आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पटना में हल्ला बोल कर दिया और विधानसभा का घेराव करने पहुंच गई है। इस दौरान हजारों की संख्या में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से ये महिलाएं आई थी और यहां पर वो प्रदर्शन कर रही थी, जहां पे पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई थी, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इस दौरान कई को चोट भी आई थी। अभी भी देखिए प्रतिबंधित एरिया है और यहाँ पर जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं यहाँ पे डटी हुई है, सामने प्रशासन की टीम मौजूद है, बड़ी संख्या में महिला पुलिस बल है, लेकिन ये हटने को तैयार नहीं है। क्या इनकी मांगे हैं, हम इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इन लोगों की मांग क्या है, क्या मांग है। बात करेंगे और क्या मांग है आप लोग, क्या मांग हम लोग का सरकारी दर्जा मांग है, सरकारी दर्जा करे और हम लोग का 5,000 में हम लोग का गुजारा नहीं हो रहा है, हम लोग को 25,000 का मांग है। हम लोग को महिला शोषण किया जाए, हम लोग का है मानदेय बंद करो और वेतन का प्रबंध करो। जब तो जयश्री भैया बोले थे, हम लोग से वादा किए थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो आप लोग का वेतन 2 गुना कर दिया जाएगा, कहाँ गया हम लोग इतना दिन से बैठे हैं। ये महिला को किया जाता है, हम लोग को तो बोलते हैं कि देखिए सरकार की तरफ से महिला का इतना परसेंट मिल गया, महिला का यहाँ पर ही दर्जा दिया, क्या महिला तो रोड पर आई है, लाठीचार्ज हुआ है, सेविका को मारा गया है, कपड़ा फाड़ा गया है, बहुत तरह का गंदा दलील हरकत किया गया है। ये सब आप लोग कहाँ से मानदेय चाहिए, मानदेय बढ़ा के देना चाहिए, 29 सौ में हम लोग का काम करवा दिन से प्रदर्शन चल रहा था, हम लोग 29 सितंबर से किए हुए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, जब जब जहाँ जाता विज्ञापन दीजिए दीजिए कर करके हमको बोला है, अंत में हम लोग आर पार को अनिश्चितकालीन रहेगा, जब तक हम लोग का मांगे बंद करो, वेतन का प्रबंध करो। देखिए लगातार यहाँ पे प्रशासन की जो टीम है, जो पटना के SDO है, देखिए लगातार वो माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर से धरना प्रदर्शन हटाया जाए, और लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं आई हुई हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीर आपको पटना के आर ब्लॉक चौराहे की है, जहाँ पर विधानसभा की जुड़ी कई कुछ मीटरों की है और ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से महिला आंगनबाड़ी सेविकाएं यहाँ पर कर रही है, प्रशासन भी इन्हें हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।